और वो डोमू राम का जो बेटा है रतन राम विकलांग है, आज वो खुद आया था मेरे पास, मैंने उसको देखा और उसकी भैंस खोल लिया, उस पर जो ऋण दिखाया गया है उसके बदले में भैंस खोल करके ले लिया। कमलेश झा ने जो पहले के अध्यक्ष थे उन्होंने जाली फर्जी हस्ताक्षर बना के उस बैंक के अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपया लिया है। जब सैया भयो कोतवाल तो डर काहे का। ये तस्वीर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे जो ये शख्स नजर आ रहा है वो पूर्व पैक्स अध्यक्ष है, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत का पैक्स अध्यक्ष, जिन्होंने कृषि लोन के नाम पर एक विकलांग दलित का दरवाजे से भैंस खोल लिया। यह मामला शनिवार को प्रकाश में आया जब बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने इस बाबत सवाल उठाए। जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मदपुर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष कमलेश झा, जिन पर यह सारे आरोप हैं, वो जदयू के बिहार प्रदेश में पदाधिकारी भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह सहित कई बड़े नेताओं तक इनकी पहुंच है। गत विधानसभा चुनाव में कमलेश झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मधुबनी जिले के कई चुनावी मंचों पर भी नजर आए, जो कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत पैक्स के वर्ष 2009 से 2019 तक तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष एवं पैक्स प्रबंधक, जो आपस में पिता पुत्र थे, के द्वारा सैकड़ों गरीब किसानों के नाम पर फर्जी कृषि ऋण की उगाही कर ली गई है। यह अवैध निकासी दीधिका कोऑपरेटिव बैंक बेनीपट्टी मधुबनी से हुई है। विडंबना यह है कि पैक्स के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अन्य स्कीम जैसे धान खरीद, केसीसी व अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ कभी मिला ही नहीं, किंतु हाशिए पर खड़े किसानों को भारी फर्जी ऋण का बोझ डाल दिया गया। हद तो तब हो गई जब देपुरा निवासी विकलांग दलित श्री रतन राम एवं उनके माता पिता के नाम पर ऋण उगाही कर ली गई तथा ऋण लौटाने के नाम पर उसकी एकमात्र जीविका का साधन भैंस पैस अध्यक्ष द्वारा खोल लिया गया। तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा अपने पुत्र की नियुक्ति पैक्स प्रबंधक के पद पर उस समय की गई जब वह पंचायत समिति सदस्य शेयरधारक था। यह बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली का घोर उल्लंघन है। इस संबंध में कतिपय पीड़ितों के हस्ताक्षरित आवेदन सचिव सहकारिता विभाग बिहार को 23/6/20 को समर्पित किया गया है, किंतु अभी तक इस दिशा में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मधुबनी को भी आवेदकों ने आवेदन दिया, किंतु कार्रवाई शून्य है। अतः उपरोक्त विषय के समाधान एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, किसानों को अल्पकालीन ऋण कृषि ऋण जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीधे पैक्स के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत पैक्स में गत वर्ष 2009-2019 तक फर्जी ऋण वितरण का प्रश्न है, इस संबंध में परिवादकर्ता श्री पप्पू झा एवं अन्य के द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा पंचायत मोहम्मदपुर पैक्स के पूर्व पैक्स अध्यक्ष कमलेश कुमार झा एवं प्रबंधक आशीष कुमार झा के द्वारा पैक्स किसान सदस्यों के बगैर जानकारी एवं सहमति के नाजायज हस्ताक्षर व दस्तखत से रहिका कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक ब्रांच बेनीपट्टी जिला मधुबनी के ब्रांच मैनेजर के सहयोग से निकासी कर गबन करने के संबंध में शिकायत की गई थी। उक्त परिवाद पत्र के आलोक में मामले की जांच हेतु निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना के कार्यालय पत्रांक 5615 दिनांक 15/10/2020 एवं पत्रांक 427 दिनांक 25/1/2021 द्वारा प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां दरभंगा मंडल
दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को निर्देशित करते हुए विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के निर्देश के आलोक में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी मधुबनी द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, परंतु आरोपित पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा पैक्स के अभिलेखों का प्रभार नहीं दिए जाने के कारण जांच कार्य में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में पूर्व पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी के पत्रांक 80 दिनांक 11/1/2021 द्वारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के धारा 45 एवं 45 क के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मधुबनी के स्तर से भी इस मामले की जांच त्रिसदस्यीय जांच दल द्वारा कराया जा रहा है। प्रबंध निदेशक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मधुबनी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक 660 दिनांक 12/3/2021 के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि बेनीपट्टी शाखा द्वारा वर्णित अवधि में मोहम्मदपुर पंचायत पैक्स के 246 किसानों को ₹69,14,430.85 केसीसी का ऋण दिया गया। जांच दल द्वारा तत्काल रैंडम रूप से 30 किसानों को ऋण वित्त पोषण की जांच की गई, जिसमें सभी किसानों का आवेदन एवं ऋण वित्त पोषण प्रविष्टि को फाइनेंस सॉफ्टवेयर बैंक से संचालित कोर बैंकिंग प्रणाली में दर्ज पाया गया, जबकि श्री रतन राम पिता डोमू राम के नाम से बेनीपट्टी शाखा द्वारा किसी तरह का किसी ऋण विषयांकित अवधि में नहीं किया गया है। संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां दरभंगा प्रमंडल द्वारा ससमय जांच प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रांक 1776 दिनांक 12/3/2021 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। चूँकि इस मामले में विस्तृत जांच आवश्यक है, अतः जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लगभग इस ध्यानाकर्षण में जो जो बातें उल्लिखित हैं, उन सारी बातों के संबंध में माननीय मंत्री जी ने स्वीकारोक्ति की है। 2019 के दिसंबर में ये चुनाव हुआ था और 2019 में ही कमलेश कुमार झा चुनाव से हट गए थे और उनकी जगह पद्मनाभ कमल अध्यक्ष बन गए थे, और तब से उनसे प्रभार मांगने की प्रक्रिया चल रही है। आज तक ये नहीं हुई, 2021 के मार्च महीने तक, अभी जो आज की 13 तारीख तक। इतना बड़ा घोटाला है महोदय रहिका बैंक से कि मेरे पास जो सूची उपलब्ध है उसके अनुसार करोड़ों करोड़ का घोटाला है। और एक सवाल तो ये करोड़ों का घोटाला है, जिनके नाम पर कमलेश झा ने, जो पहले के अध्यक्ष थे, उन्होंने जाली फर्जी हस्ताक्षर बना के उस बैंक के अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपया लिया है। और समिति गठित है, समिति जांच कर रही है, 2 वर्षों से जांच नहीं हुई, ये बात आज सदन के सामने आ रही है। और वो डोमू राम का जो बेटा है रतन राम, विकलांग है, आज वो खुद आया था मेरे पास, मैंने उसको देखा, और उसकी भैंस खोल लिया, उस पर जो ऋण दिखाया गया है उसके बदले में भैंस खोल करके ले लिया, और कोई कार्रवाई अभी तक महोदय नहीं हुई है। इतना गंभीर मामला है ये, मैं सारे कागजात जो मेरे पास हैं मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ जांच के लिए। और मेरी मांग है महोदय कि अगर इस तरीके से सरकार आलस्य बरतती रही भ्रष्टाचारियों को बचाने में और उनके विरुद्ध जांच नहीं कराने में, विलंब करने में, तो मैं समझता हूं कि पैक्स
और सहकारिता का जो आंदोलन है वो इस राज्य में पूरी तरीके से फ्लॉप कर जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि सदन की कमेटी बना करके इस गंभीर मामले पे जांच की प्रक्रिया सीमित समय के अंदर पूरी की जाए और करोड़ों करोड़ जो जनता का पैसा लूटा है उन्होंने, उनको दंडित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए।